हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हैं techhoop.com। और गाइस, अगर आपको मालूम होगा तो मेरे चैनल पे एक सीरीज चलती है जिसका नाम है स्मार्ट कंज्यूमर बाइंग गाइड। तो बेसिकली जो भी काम की एक्सेसरीज या गैजेट होते हैं उसको मैं ऑनलाइन खरीद लेता हूँ और उसके अंदर मैं डालता हूँ, मतलब कि उस सीरीज के अंदर अपलोड करता हूँ उस वीडियो को। तो वो वाली सीरीज भाई काफ़ी ज़्यादा फल फूल रही थी, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से काम करते हैं। और डिफरेंट बात यह है इस सीरीज़ की भाई कि इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहेंगे कि शायद सिर्फ और सिर्फ टेक का ही करो। नहीं भाई, कुछ भी करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। और इसका प्रूफ भाई अभी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली मैं आपको बात करने वाला हूँ इस सीरीज़ में भाई मास्क का। एक हफ्ते पहले आपको इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को एक सिंपल सी एड दिखी, लेकिन भाई उसमें सिंपलिसिटी थोड़ी सी कम थी। रीज़न उसका यह था कि आजकल जो भाई कोरोना वोरोना फैला हुआ है तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ हो गया है मास्क, जो कि मैंने अभी उतार दिया है। तो रीज़न उसका यह कि भाई घर में हो भी तो मास्क भाई साथ साथ बेच रहे हैं फैशन स्टेटमेंट की तरह, मतलब कि टी शर्ट वाला जो कोट्स है वो आपको मास्क भी चिपका दिया है और ये सब कर दिया। और होपफुली भाई ऐसे जो आपको इंस्टा एड्स हैं आपको हमेशा दिखते होंगे और क्या पता आपका मन करता होगा कि लेने का, तो भाई आपके भाई ने ले लिया है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आपको यहाँ पे आराम से मेडिकल स्टोर से आप जाकर ले सकते हो, लेकिन भाई फैशन मैटर कर जाता है बहुत लोग के लिए, कुछ लोग के लिए तो करता ही करता है। सो बॉक्स पैकेजिंग की टिपिकल टी शर्ट वाली ही है, मतलब कि सेम डिब्बे से काम चला रहे हैं, जुगाड़ पे इनकी जिंदगी चल रही है भाई। तो जल्दी से अपनी अगेन नेल कटर वाले अनबॉक्सिंग कर देते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं अपने चैनल पर नेल कटर से अनबॉक्स करता हूँ, गरीब हूँ भाई। सिंपल सा अनबॉक्सिंग है, एक पेयर। ओ भाई दूसरा कहाँ है, मैंने तो दो मंगवाया था भाई। बहुत ज़्यादा सिंपल सा, और फर्स्ट इम्प्रेशन में बताऊँ अगर तो मेरे को तो लग रहा कि मैं लूट गया हूँ भाई, 500 रुपये दे के इसको लग रहा है ऐसा। ये इसमें एक ही पीस है। वो दूसरा वाला कहाँ गया, शेट। सो टू ऑल द मनी हाइस्ट फैन इन द हाउस गाइज, आपके लिए प्रेजेंट है ये मनी हाइस्ट वाला मास्क। ये सोल्ड स्टोर से था भाई। ये वाला वीडियो मैंने अराउंड 2 दिन के बाद शूट किया। बेसिकली भाई इसको डिलीवर करने में 6 दिन का टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा बेकार डिलीवरी टाइम था। और भाई मैं अगर बताऊँ तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ लिटरली। सबसे पहली बात भाई, इसका जो कलर है ना ये मैच नहीं कर रहा है जो ऑनलाइन इन्होंने शो कर रखा है, उसका भाई वाइब्रेंसी इतना ज़्यादा बढ़ा रखा है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये चीज़ भाई सिमिलर नहीं है। दूसरी बात, क्वालिटी मेरे को लिटरल 250 वाली नहीं लगी, पूरा का पूरा 3 कॉटन का कपड़ा जिसको मिला के बस बनाया हुआ। और ये जो स्टिकर की क्वालिटी, मतलब कि प्रिंटिंग की क्वालिटी है, वो भी ठीक ठाक सी नॉर्मल सी है। और भाई अगर मैं आपको पहन के दिखाऊं तो जो इसका आपको यहाँ पे ये भी जो भी कान में जो कान का फंदा जो बेसिकली है, ये आपको भाई इलास्टिक नहीं है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें ना भाई बिल्कुल बेकार लग रही है मेरे को पहनने में भी, और मज़ा नहीं आ रहा। और मज़ा के मतलब कि जो एक्चुअल काम होता है वो भी नहीं हो पा रहा है इससे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले तो लगाना बड़ा मुश्किल है यार इसका, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये टाइट रहता है तो कान में ना दर्द करता है थोड़ा देर के बाद। ठीक है, मैं देखने में इंटरेस्टिंग ज़रूर लग रहा है, लेकिन भाई 250 रुपये के हिसाब से ये काम नहीं कर रहा है जितना अच्छा इसको करना चाहिए था। उसका रीज़न ये है भाई कि जो बताया था ऑनलाइन वो चीज़ प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नहीं मिली है। दूसरा बात यहाँ पर ये है भाई कि ये प्रोडक्ट भाई बार बार स्लिप होता रहता है नाक की तरफ से, जब भी आप पहन के ट्रैवल करोगे या फिर चलो वोगे ना तो फिसल जाता है बार बार। मैंने यूज़ किया, मैंने आपको दूसरा वाला भी यूज़ किया था, भले इसका डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, क्वालिटी वाइज भी ज़्यादा बेटर लगा। और भाई ब्लैक कलर तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आपने मनी हाइस्ट लेने के लिए सोचा था तो भाई बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी बेकार लग रहा है वो मेरे को, लेकिन ये बेटर है ज़्यादा। देखो मैंने इसको थोड़े दिन यूज़ किया है और यहाँ से भाई बहुत ज़्यादा ढीला हो गया ये। ठीक है, और ये चीज़ भाई रिकमेंडेड नहीं होती जब भी आप मास्क यूज़ करते हो। तो मास्क में क्या होता है भाई कि आपका यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब हवा ना जाए वहाँ से, ये सब रीज़न रहता है उसका। तो कॉटन वाले मास्क भाई बस कॉटन वाला ही काम करेंगे। जो एक्चुअल मास्क होता है भाई N95 वाला, जैसे कि ये वाला मास्क जो मैं आपको प्राइमरी मास्क है मेरा, इसको यूज़ करते ही भाई समझ में आता है कितना ज़्यादा ये डिफरेंट है, कितना ज़्यादा ये अच्छा काम करता है। सबसे पहले बात भाई, इसका जो फिट है ना वो बहुत तगड़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये जो लास्टिक है भाई ये भी पूरा अच्छे से, अब कान में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, दर्द नहीं करता। देखो पहनना भाई 2 सेकंड का काम है लिटरल में बताया, और यहाँ से दबा दिया मैंने मास्क, अब ये कुछ भी हिल नहीं रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, फिल्टर सब है। और N95 का यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड चीज़ है। तो भाई मैं अगर आपको फाइनल रॉ वर्ड में बताऊँ तो भाई, अगर आपको स्टाइल के लेना है तो आप ले सकते हो बिल्ला चाओ वाला या फिर वो बैटमैन वाला, जो भी नए इनको डिज़ाइन डालने वाले हैं ऑनलाइन, लेकिन भाई प्राइस के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है।
और मैं आपको स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के हिसाब से बताऊं तो नहीं लेना आपको। सो भाई ये था मेरा कंप्लीट रॉ ओपिनियन ऑन सोल स्टोर या फिर बेवकूफ़ वाला, दोनों आपको सेम है, कॉटन कपड़ा ही यूज़ कर रहे हैं। तो भाई कॉटन कपड़ा मास्क के लिए यूज़ करना बेकार रहेगा, तो मत लो, अच्छा रहेगा। तो आई होप कि भाई आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, पसंद तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके अपने साथ जुड़ सकते हो। और भाई कुछ भी नया कॉन्टेंट, कुछ भी नया प्रोडक्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आप मेरे को रिकमेंड कर सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।